आखिर कौन और क्यों? क्या जानबूझकर बढ़ा रहा है कोई आबादी? मुस्लिम आबादी का स्तर बढ़ा, भारत बनेगा मुस्लिम राष्ट्र आरएसएस। हिंदू मुस्लिम आबादी पर सियासत तेज, नफरती एजेंडा जारी। आरएसएस चिंतित, संसद पर खतरा, ममता राहुल को घसीटा। आज जनसंख्या दिवस है, ऐसे में बहस फिर शुरू हो गई है कि देश की आबादी कौन बढ़ा रहा है? क्या कोई जानबूझकर जनसंख्या बढ़ा रहा है? कहीं ज्यादा बच्चों के पीछे कोई खास किस्म के इरादे तो नहीं है? जनसंख्या दिवस से पहले आरएसएस में डिबेट शुरू हो गई है। मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में ये मुद्दा उठाया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे डीलिंग विद द डेमोग्राफिक डिलेमा नाम से लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया है कि भविष्य में कई शाहीन बाग दिखाई दे सकते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम आबादी के संतुलन का आखिरी आंकड़ा साल 2011 की जनगणना में आया था। आबादी पर बहस 2024 के चुनाव पर छिड़ी हुई थी। वहीं आरएसएस ने बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की है, खास तौर पर कुछ सीमाओं पर। राज्यों में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर आरएसएस ने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर जारी करते हुए चिंता जताई है और कहा है कि देश के संसदीय परिसीमन के लिए ये ठीक नहीं है, विकास के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब जब बात मुस्लिम आबादी की निकली है तो सियासी गलियारों में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी इसे साजिश देख रही है तो कहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की नफरती एजेंडा दिखा रही है। आपको बता दें कि जनसंख्या दिवस से ठीक पहले देश में बड़ी महाभारत छिड़ गई है। इस महाभारत की शुरुआत आरएसएस के मुख्य पत्र से हुई है, जिसमें लिखा गया है कि कुछ हिस्सों में मुस्लिम आबादी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद भी सभी धर्म और सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। समीपवर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं इस पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की आवश्यकता है ताकि जनसंख्या सामान्य तौर पर नियंत्रित हो सके। लेख में लिखा गया है कि मूल आबादी बदली तो जनगणना से संसद में कुछ सीटें हारने का खतरा भी है। मुस्लिम आबादी के बढ़ते हुए स्टॉक को भी घुसपैठ की एक बड़ी वजह बताया गया है। जैसे ही हिंदू मुस्लिम हुआ वैसे ही सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई है। बीजेपी ने कहीं न कहीं इसके जरिए विपक्ष की कई तुष्टिकरण पॉलिसी पर निशाना साधा है, तो वहीं विपक्ष ने भी कमान संभाली है। अब बंगाल, असम, उत्तराखंड पर खास तौर पर जोर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि वाकई बॉर्डर एरिया में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है या फिर कोई राजनीतिक एजेंडा है। पहला सवाल यह है कि आखिर आरएसएस ने इन मुद्दों को उठाया क्यों है? बिहार, बंगाल को लेकर क्यों निशाना साधा है? मुस्लिम आबादी को खतरा क्यों बताया गया है? तो इसके पीछे बड़ा कारण है, आज जनसंख्या दिवस है। दूसरा, बिहार और बंगाल में बीजेपी लगातार तुष्टिकरण के आरोप लगा रही है। और तीसरा, बढ़ती जनसंख्या भविष्य में परिसीमन को प्रभावित कर सकती है और इसमें अगर हिंदू घटे तो बीजेपी हट जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जनसंख्या वृद्धि हिंदू मुसलमान का तड़का लगाने पर मुस्लिम समाज क्या सोचता है? हालांकि पत्रिका में समूचे देश की घातक परिणामों का जिक्र किया गया है, तो वहीं वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ने का दुष्प्रभावों का भी जिक्र किया गया है। इसी बहाने ममता से लेकर राहुल पर तुष्टिकरण के तीर भी चलाए गए हैं। मगर मुद्दा यह है कि हर बार सवाल उठाए जाते हैं लेकिन नीतियां वहीं की वहीं रह जाती हैं, इन पर कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन समाधान सत्ता में बैठी सरकारों के पास भी है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, बाहर से हो रही घुसपैठियों पर सरकार को रोक लगानी चाहिए,